नमस्कार, मैं हूं शालिनी, आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के खास कार्यक्रम खेल तय दनादन में। डोमिनिका में खेले जा रहे भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट मैच में 21 साल के मुंबई के शानदार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने डेब्यू टेस्ट मैच में पहला शतक जड़कर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कर लिया है। वे डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय बन गए हैं। हालांकि उनकी नज़र दोहरे शतक पर टिकी रही, वहीं अब तक टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड शिखर धवन के नाम है। उसी के साथ शिखर धवन और पृथ्वी शॉ के बाद यशस्वी जायसवाल बतौर ओपनर डेब्यू मैच में शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। इन्होंने 215 गेंदों में 11 चौके लगाकर अपना पहला शतक पूरा किया है। ये विदेशी सरजमी पर डेब्यू मैच में शतक जड़ने वाले पहले सलामी बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने तेज गेंदबाज अलजारी जोसेफ पर पुल शॉट लगाकर 4 रन बटोरे थे। वहीं इस मैच में रोहित शर्मा ने तेज गेंदबाज जोसेफ की गेंद पर सर्वश्रेष्ठ शॉट लगाकर छक्का जड़ा था। भारत की बल्लेबाजी वेस्टइंडीज के दिमाग में हलचल पैदा कर रही थी। इस साझेदारी को तोड़ने के लिए कप्तान क्रेग ब्रैथवेट ने अपने 7 गेंदबाजों की फौज को उतार दिया था, फिर भी उन्हें पहली सफलता का बड़ा इंतजार करना पड़ा था। फिलहाल यशस्वी 14 चौके के साथ 143 रन बनाकर बल्लेबाजी की थी। उन्होंने लगभग 350 गेंदें खेली। आपको बता दें कि भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 312 रन रहा है। वहीं वेस्टइंडीज ने अभी तक 150 रन बनाए हैं। अब देखना यह है कि इस टेस्ट मैच में कौन अपनी जीत का जलवा बिखेरता है। इसी के साथ खेल जगत की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए प्रदेश तक के साथ।